हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे और अभी मेरा ये वीडियो बैठकर देख रहे होंगे। तो ये वीडियो जो है ये मेरे भाई की रोका सेरेमनी की वीडियो है। आप लोगों को आगे रोका देखने को मिल जाएगा। तो बस यहाँ से मैं अपनी वीडियो को शुरू करती हूँ और बस बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये वीडियो इंशाल्लाह। तो बस अभी हम लोगों ने होटल में एंटर कर लिया है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा वेलकम किया जा रहा है। यहाँ पे ये लड़की वालों की साइड से हैं, उनकी मामानी हैं, खालाएं हैं और फुप्पी की बेटी हैं, यानी कि कज़न सिस्टर हैं। तो वो हमारा वेलकम कर रही हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग हो गए हैं थोड़ा सा लेट और मम्मी वगैरह हमारी जो है पूरी फैमिली पहुँच चुकी है होटल में। वो अंदर रूम में ही हैं और हम लोग बस अभी एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सभी लोगों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, उसी के बाद में होटल में एंटर करने दे रहे हैं। तो बस यहाँ पे हमारे फ़ोटो क्लिक किए जा रहे हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हो चश्मा लगाए हुए, ये है दुल्हन का भाई। तो यहाँ पर हम लोगों को भी फ़ोटो क्लिक किए जा रहे हैं। पहले हम दोनों का हुआ, फिर उसके बाद लपली बाजी और हमारे दूल्हा भाई का हुआ। तो बस अभी मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली से मिलने के लिए। तो हम लोगों को एक रूम दे दिया गया था, वहीं पे सभी लोग बैठे हुए थे। तो बस जैसे ही मैंने एंटर किया है, सबको सलाम किया है, सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और यहाँ पे मैं अब बताऊँगी आप लोगों को कि कौन कौन है। तो ये है मेरी बड़ी मम्मी जो स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई हैं, और ये जो ग्रीन कलर में हैं वो है बिक्की भाई की मम्मी, यानी कि लवली बाजी की सासू मम्मा, और साथ में मेरी बुआ बैठी हुई है पीछे। और ये है मेरी खाला जो रेड कलर की साड़ी आप लोगों को दिख रही होगी, ये मेरी खाला भी हैं और ये मेरी चाची भी हैं। आप लोगों को अक्सर हमारे घर में दिखी भी होंगी, आप लोग जानते भी हो अच्छे से इनको। और मेरे पापा हैं, दूल्हा भाई हैं, हम सभी फैमिली बैठे हुए हैं। और कुछ फैमिली मेम्बर हमारे बाहर जो हॉल है जहाँ पर प्रोग्राम किया जा रहा है वहाँ पर बैठे हुए जेंट्स लोग, तो बस हम लोग ही थे। और अभी आप लोग सोचोगे कि सभी लोग साड़ी पहनकर आए हैं, तो जी हमारे यहाँ पे सभी लोग साड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पे अभी तो मैं सब लोगों से मिल चुकी हूँ और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ जो भी चीज़ें मम्मी लेकर आई थी वो सब थाल में लगा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे लड्डू हम लोग थाल में लगा रहे हैं, क्योंकि लड्डू अगर हम लोग वहीं से लगा कर लेकर आते तो टूटने का डर रहता है, वो फूट जाते हैं, तो इसलिए हम लोग यहीं पर ही लगा रहे हैं। और जो भी शगुन का सामान होता है मम्मी वो लगा रही हैं, जैसे कि दुपट्टा, चूड़ियाँ, जो भी मतलब लड़की को पहनाना है हमें, यानी कि दुल्हन को, तो बस इसीलिए वो लगा रही हैं यहाँ पर। हम लोग यहाँ पे सभी सामान थाल में लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर थाल में ही दिया जाता है जो भी अगर सामान देना है वो। तो जैसे कि हम लोग लड्डू वगैरह टप बनवा सकते थे या डलिया बनवा सकते थे, लेकिन ये फूटने का डर रहता है और वैसे भी हम लोगों को थाल देने ही थे, बस इसीलिए यहाँ पर लगा रहे हैं। और मम्मी वहाँ पर शगुन का सामान लगा रही हैं, जो भी लड़की को पहनाना है उसका रोका करना है। तो यहाँ पर मैं और मामू लड्डू लगा रहे हैं।
और बाकी सारे लोग भी देख रहे हैं। और यहाँ पे ये मम्मी पांच फल जो रखे जाते हैं लड़की की गोद में, तो वो रख रही हैं। और बस यहाँ पे चूड़ी, दुपट्टा, हार, फूल, मिठाई का डिब्बा, जो भी हम लोगों को देना देना है उसको, जैसे कि रिंग, चेन वगैरह, तो वो सारी चीज़ें एक ही थाल में हम लगा कर रख देंगे, ताकि हम लोगों को अलग अलग से नहीं देना पड़ेगा। तो एक थाल यहाँ पे एक तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा तैयार हो रहे हैं, यानी कि बॉबी भाई हमारे, वो तैयार कर हो रहे हैं। और यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे चाचा और सभी लोग। अभी पहले थोड़ी देर पहले बॉबी भाई ने मास्क लगा लिया था, लेकिन सब लोगों ने बोला कि मास्क अच्छा नहीं लगेगा तो मत लगाओ। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार हैं, एक थाल में लगा दिए हैं हम लोगों ने। तो जितनी भी थालें थी उसके ऊपर मम्मी लेकर आई थी रुमाल, तो वो हम लोग ढक ढक देंगे, जैसे कि अच्छा लुक आता है, जैसे कि। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेटर्स को बुलवा लिए थे कि वो थाल लेकर जाएंगे। तो बस यहाँ पे सारी जो भी थालें थी उसके ऊपर रेड कलर का कपड़ा हम लोगों ने ढक दिया है, और बस अभी ये लोग लेकर जाएंगे नीचे जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। तो यहाँ पे ये सारे थाल लाकर रख दिए हैं, और बस अभी हम इस सामान को सेट कर देंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग सामान लगा रहे हैं सारा, जो भी हम लोग लेकर आए थे दुल्हन के लिए। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम किया था लड़की वालों ने, बहुत सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मैं अभी दुल्हन से मिल भी आई हूँ, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। तो यहाँ पे सभी लोग हेल्प करने के लिए लगे हैं कि सामान कहाँ लगाना है, क्योंकि सामने ही स्टेज है तो एंट्रेंस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सामान थोड़ा सा स्पेस देकर लगा रहे हैं, ताकि जो भी दूल्हा और दुल्हन है वो आराम से आकर सोफे पे बैठ सके।
यहाँ पे सारा सामान सेट हो चुका है और यहाँ पे हम लोगों ने जो लड़की को देना है वो चीज़ रख दी है। तो बस अभी सारा सब कुछ तैयार है और अभी थोड़ी देर में आप लोग देखोगे कि बॉबी भाई का यहाँ पे रोका होगा। तो हमारे यहाँ पे ये होता है कि सबसे पहले लड़के को रोका जाता है, फिर उसके बाद में लड़की को रोका जाता है, उसी के बाद में रिंग सेरेमनी की जाती है। तो सबसे पहले बॉबी भाई का रोका होगा, तो बस सभी लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए सभी लड़की के साइड वाले और यहाँ पे बैठे हैं हम दोनों। तो भाई यहाँ पर बैठ चुके हैं सोफे पे, अब उनका रोका शुरू होने वाला है। और रोके की जो भी रस्म होगी वो करेंगे लड़की के भाई। तो बस यहाँ पे ये जो भी देना है इनको रोके के लिए वो सारा सामान इन्होंने रख लिया है एक थाल में। तो यहाँ पे रोके की रस्म शुरू हो चुकी है, लड़की का भाई आ चुका है तो वो रोके रोका कर रहे हैं यहाँ पे, और ये खड़े हुए हैं लड़की के चचा जान। तो यहाँ पे भाई के हाथों में मिठाई और जो भी उनको पैसे देने थे वो, और मुंह मीठा कराया जाता है। तो बस यहाँ पे पान खिलाने के लिए बोल रहे थे तो भाई पान नहीं खाते हैं तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ही मुँह से छिला दिया है पान को। और बस यहाँ पे ये हो चुकी है रोके की रस्म। तो रोके की रस्म कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे जीजा साले दोनों गले मिल रहे हैं।
तो यहाँ पे सभी लोग फूल माला पहनाएंगे और भाई के ऊपर नौछावर करेंगे। तो ये जो न्यौछावर कर रहे हैं तो वो है लड़की वाले के साइड से, क्योंकि जो भी रस्म होती है हमारे यहाँ पे कि जो भी लड़का अगर लड़के का रोका हो जाता है उसके बाद में लड़की वालों के साइड से ही न्यौछावर किए जाते हैं लड़के के ऊपर, और फिर हम लोग करेंगे लड़की के ऊपर न्यौछावर। तो ये हैं बॉबी भाई के दादा ससुर, यानी कि लड़की के दादा। और ये हैं दुल्हन की दादी। और अभी जो आप लोग देख रहे हो ये हैं दुल्हन की मम्मी, और ये हैं दुल्हन के पापा। तो जिन जिन लोगों का मुझे पता है मैं उन उन लोगों को बता देती हूँ कि ये हैं लड़की की फूफी जान, और जो कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। तो भाई रोका तो कंप्लीट हो चुका है, तो बस हम लोग यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए पहुँच गए थे स्टेज पर, और बस अभी थोड़ी देर में आप लोग देखोगे कि दुल्हन की एंट्री होगी। तो ये तो थी एंगेजमेंट का फर्स्ट पार्ट, यानी कि रोका सेरेमनी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट कल मिलेगा जिसमें रिंग सेरेमनी होगी। तो बनी रही हो मेरे वीडियो के साथ में। तो ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एक लाइक तो बनता है। तो बस इसी के साथ में वीडियो का एंड भी यहीं करते हैं, मिलते हैं फिर से अपने एक नए और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।